सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में चांदी का तमगा जीतने वाली कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को ताहाल पिछले कई माह के वाजबात ना मिलने का इंकशाफ हुआ है। कौमी हॉकी टीम ने अजलान शाह कप में बेहतरीन खेल पेश करते हुए फाइनल तक नाकाबले शिकस्त रहने का एजाज हासिल किया और इवेंट में चांदी का तमगा अपने नाम किया, लेकिन इतना शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ी काफी दिनों से अपने वाजबात से महरूम है, जिसके सबब इन्हें मुश्किल का सामना है। कौमी टीम के खिलाड़ी को एशियन गेम, एशियन जूनियर हॉकी कप, अमान में होने वाले 5-a-side वर्ल्ड कप, अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, जूनियर वर्ल्ड कप और 6 डोमेस्टिक कैंप्स के डेली अलाउंस ताहाल अदा नहीं किए गए। मामले से बाखबर जराये ने बताया कि हॉकी टीम के खिलाड़ियों को अगस्त 2023 में भारत में खेले जाने वाले एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के आधे वाजबात कई माह गुजरने के बावजूद अब तक अदा नहीं किए गए। इस हवाले से बताया गया है कि वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड में कौमी टीम के खिलाड़ियों को 20,000 रुपए डेली अलाउंस दिया गया, हालांकि जबकि फी का डेली अलाउंस $150 था, जो 40,000 से जायद बनता है। इस तरह अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में कौमी टीम के शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद खिलाड़ियों को अब तक डेली अलाउंस की मद में 1 रुपया भी अदा नहीं किया गया। एक खिलाड़ी के नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया गया कि हर मैच के बाद डेली अलाउंस देने की तसल्ली दी जाती रही, लेकिन रकम अदा नहीं की गई। इनका कहना था कि फाइनल मैच से पहले डेली अलाउंस की अदायगी का वादा किया गया, लेकिन फाइनल के बाद भी खिलाड़ियों को कुछ ना मिला, जबकि खिलाड़ियों को इवेंट के दौरान शॉपिंग के लिए भी पैसे नहीं दिए गए। इन्होंने बताया कि सिर्फ अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के लिए इस्लामाबाद में लगने वाले कैंप का डेली अलाउंस अदा किया गया था।